आप देख पा रहे हैं बाइक स्टार्ट है, इसमें गियर लगा रहे हैं तो अभी बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही है। हम आपको यहाँ पर न्यूट्रल लाइट भी दिखा दें, यहाँ पर देखिए गाड़ी न्यूट्रल में है। अब इसमें गियर, जैसे गियर इसमें डाल के देखिए, गियर डाल के क्लच छोड़ रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भग रही है। देखिए क्लच पूरी छोड़ दिए हैं, क्लच में पूरा फ्री पले भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी गाड़ी नहीं भग रही है। ये बराबर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे गियर लगा के भगा रहा हूँ, फिर भी गाड़ी भग नहीं रही है। चलिए इसमें खोलते हैं, देखते हैं क्लच प्लेट की कंडीशन क्या है, तो इसमें फॉल्ट क्या क्या है, हब सेंटर गया कि नहीं। तो इसका खोल लेते हैं क्लच प्लेट। इसमें पांच स्क्रू दिए, पांच 10 नंबर का बोल्ट होता है, पांच स्प्रिंग होती है, इसको खोल लेंगे। इसमें उल्टी चूड़ी होती है, ठीक है, क्लच होल्डर की मदद से इसको भी खोल लेंगे। अब आप इसकी देख पा रहे होंगे कंडीशन, इसकी कितनी बेकार कंडीशन इसकी। इसकी क्लच प्लेट की कंडीशन बहुत बेकार है, काफ़ी जल चुकी है क्लच प्लेट, बिल्कुल भी पावर नहीं थी बाइक में। इसका सेंटर भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, सेंटर भी आपको दिखा दें, सेंटर देखिए, सेंटर इसका ख़राब चुका है, हब थोड़ा ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट साफ़ कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ, इसको पूरी अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं। तो इसमें सेटिंग करने के लिए देखिए क्या है, दो आपको इससे पतले रिंग मिलेगी, एक थोड़ा सा प्लेन मिलेगी, इसमें ज़्यादा ओवर नहीं होगा, और ये जो वाली है ये इसमें ओवर है, एक तरफ ऊँचा हुआ है, एक तरफ गड्ढा है, तो जो उभरा हुआ है ऊपर लगा देंगे, जो गड्ढा वाला अंदर रहेगा। इसमें आपको दोनों तरफ बराबर उसके पास एक छोटी, एक मतलब पूरी क्लच प्लेट से एक पतली क्लच प्लेट मिलेगी, उस क्लच प्लेट को पहले डालेंगे, फिर उसके पास एक प्रेशर प्लेट डालेंगे। इसमें प्रेशर प्लेट पूरी बराबर होती है, मतलब चारों प्रेशर प्लेट एक तरह से होती हैं और पाँच क्लच प्लेट होती हैं, तो पारी पारी इसको लगा देंगे, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट डाल देंगे। हम हर वीडियो में आपको ऐसे बताते रहते हैं कि कैसे कैसे इसको फिटिंग करना है। ये जो पतली रिंग है अगर उसको डिस्टर्ब मतलब उल्टे सीधे डाल देंगे तो गाड़ी जर्किंग लेगी, गाड़ी भगेगी पर जर्किंग लेगी हल्की हल्की। तो इसको हम अच्छी तरह से इसको फिट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब सेंटर में और हब में दो जगह आपको मार्किंग मिलेगी, एक सेंटर में मिलेगी, एक हब में मिलेगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं सेम मार्किंग उसमें भी होती है। इन दोनों को मैचिंग करते हुए इसमें एडजस्ट कर देंगे, कंपनी फिटेड इसी तरह होती है, ठीक है। उसके बाद से क्लच हाउसिंग के तरफ एक वाशर होती है, वाशर में एक सेप बनी होती है, अगर उल्टे डालेंगे तो अंदर नहीं जाएगी, जब तक सेप वाली बराबर नहीं करेंगे। तो देखिए सेप वाली अंदर जाएगी और क्लच हाउसिंग में पूरी तरह से फिट आ जाएगी। उसके बाद इसमें क्लच प्लेट को फिटिंग करेंगे पूरी तरह से, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आराम से चली जाती है। आपको वार्सल दो तरह से मिलेंगे, देखिए एक वार्सल ये है, एक वार्सल ये है, दोनों सेम वार्सल होती है, कोई सा भी डाल सकते हैं। और इसकी जो चूड़ी होती है उल्टी चूड़ी को होती है, बैलेंसर पर कॉर्नर जो होता है वो सीधी चूड़ी का होता है, और क्लच पर का जो नट होता है उल्टी चूड़ी का होता है, ठीक है। तो इसको हम इसमें टाइट कर देंगे, तो चलिए इसको टाइट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। क्लच नट टाइट करने के बाद इसको नचा कर देख लेंगे सेंटर को कि फ्री नच रही कि नहीं। अगर फ्री नहीं चलेगी तो इसके मतलब आप अगर क्लच दबाएंगे तो गाड़ी गियर में ही रहेगी, फ्री नहीं होगी, ठीक है। तो इसको ज़रूर चेक करें। उसके बाद हम एक एक करके स्प्रिंग, पांच स्प्रिंग होती है, पांच स्प्रिंग डाल के उसके बाद से
पुशर प्लेट को लगाएंगे इसमें, पुशर प्लेट को लगाते समय इसमें जितने भी मतलब स्प्रिंग है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उनको आराम एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से करें। उसमें ग्रुप दिया होता है पुशर प्लेट में, उसी पुशर ग्रुप में ही पूरे स्प्रिंग को रखें। अगर स्प्रिंग टेढ़ी हो जाएगी तो पुशर प्लेट टूटने का डर होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। अब इसका बैलेंसर फिट करेंगे। इसमें क्या होता है कि बैलेंसर में सीधी चूड़ी होती है, पीछे एक वार्सल रहेगा, उसके पास एक नट रहेगा, तो वार्सल डाल देंगे, उसके पास इसको नट फिट करेंगे। नट को भी होल्डर की मदद से इसको भी टाइट कर लेंगे, ये भी आसानी से टाइट हो जाती है। इसको टाइट करने के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। नट पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। अब इस पर जो बैलेंसर पे कवर जो होती है उस कवर को लगाएंगे। इसमें तीन स्क्रू होती है, तीनों स्क्रू को इसको ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। फाइनली इसका कवर टाइट कर दिए हैं। अब इसमें क्लच कवर लगाएंगे। क्लच कवर को लगा के उसके बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं सीधा बाइक स्टार्ट करके कैसा परफॉर्मेंस देती है। फाइनली अब बाइक स्टार्ट करके हम आपको दिखाते हैं जो पहले गियर में डाल के क्लच छोड़ देते फिर भी बाइक नहीं आगे बढ़ रही थी, अब देखते हैं कि कैसा रिस्पांस देती है। तो फाइनली आपने देखा इसकी पिकअप का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। इसके पूरा प्रॉब्लम क्लच प्लेट से ही थी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। इसी तरह का टेक्निकल वीडियो लाते रहेंगे।